Xiaomi just launched Mi 8. In this video, let's unbox it and take a closer look. बॉक्स खोलते ही सबसे पहले आपको एक और बॉक्स मिलेगा और उसे हटाते ही आपको आपका Mi 8 दिख जाएगा। चलिए तो इसे देखते हैं कि कौन से कलर में है। आपको पलटते ही मेरा फ़ोन ये ब्लू कलर में दिख जाएगा। इसके अंदर बॉक्स के अंदर एक चार्जर ब्रिक और USB टाइप सी का केबल है। टाइप सी टू हेडफोन जैक कन्वर्टर है जो कि 3.5mm जैक है। इसे साइड में रखते हैं और मेन फ़ोन की बात करते हैं। तो पहले प्लास्टिक उतार लेते हैं और एक क्लोज लुक लेते हैं फ़ोन का। ब्लू कलर में फ़ोन देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और हैंड हेल्ड फील भी काफ़ी अच्छा है। और ये MIUI 10 पे रन करता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसे सेटअप कर लेते हैं और उसके बाद इसकी क्वालिटी देखते हैं, बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये ब्लू कलर में। और इसकी जो 6.1 इंचेस की डिस्प्ले है अमेजिंग है। 12+12 का बैक का कैमरा है और डाउन साइड में आपको मिल जाएंगे स्पीकर ग्रिल्स और टाइप सी का पोर्ट जो कि चार्जिंग के लिए, और ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। जो फ्रंट की डिस्प्ले है वो काफ़ी अमेजिंग है और 83% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इस डिस्प्ले का है। आपको एक बड़ा सा नॉच मिल जाएगा और उसके अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स मिल जाएंगे। जो कैमरा है उसने DxO मार्क पर 105 का स्कोर किया है जो कि बहुत जेन्युइन बात है। इसके फुल कैमरे का रिव्यू जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। हमारे पास ये वाइट कलर का स्पेशल वेरियंट भी है, तो इसे भी अनबॉक्स करके देखते हैं। और ये वाइट कलर में देखने में काफ़ी कूल लगता है। और अब हम बात करेंगे MIUI 10 के फीचर्स के बारे में। तो इसके अंदर पहले MIUI 10 को हम सेटअप कर लेते हैं और यहाँ पर फिंगरप्रिंट हम सेटअप कर लेते हैं। जो फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी ही फास्ट और 100% एक्यूरेट कह सकते हैं आप। और ये देखिए स्वाइप अप जो कि iPhone X के जेस्चर्स हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। आप स्वाइप होल्ड करके कर सकते हैं और अगर आप स्क्रीन को साइड से स्वाइप करते हैं तो आप बैक जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी जो कि चाइनीज़ में लिखी हुई हैं, और अगर आप लॉन्ग स्वाइप करेंगे तो जो रीसेंट ऐप में सेकेंड ऐप होता है उसके अंदर चले जाएंगे जो कि क्विक स्विच होता है, जो कि आपको एंड्रॉयड ओरियो में मिला था डबल टैप करने पे ऑप्शन के बटन पे। यहाँ पर नया रीसेंट बार है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं एक ही बार में सारे ऐप क्लियर हो गए हैं। और यहाँ पर आप स्वाइप एंड होल्ड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं किसी को भी और क्लियर कर सकते हैं। किसी भी ऐप की स्पेशल सेटिंग्स में घुस सकते हैं काफ़ी ईजिली, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। आप एनिमेशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा एनिमेशन हो रखा है और ओवरऑल जो ब्यूटीफाइड है इस डिवाइस का देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आपको नॉच का पता नहीं चल रहा है कि कोई नॉच है, और अगर आपको ये नॉच पसंद नहीं आती है तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर फीचर दे रखा है MI ने। जो अब यहाँ पर एक आपको फेस डेटा मिल जाएगा जैसे कि आपने देखा और क्लिक किया और अनलॉक, आपने लॉक का बटन क्लिक किया और अनलॉक, जो कि काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट है। जो ये फेस डेटा है हो सकता है ये सभी डिवाइसेस में आएगा क्योंकि वहाँ पर लॉन्च इवेंट में इसे दिखाया गया था। साथ में एक और चीज़ दिखाई गई थी MI 5 सिंगल कैमरे से पोर्ट्रेट शॉट, तो वो भी आ सकता है। ऐसी और कूल वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।